अभी हम टोल प्लाजा में हैं और अभी मैंने फास्टैग रिचार्ज कराया। बता नहीं रहे यार, कैसे लग रहा है? बुद्धि लगा है नहीं, बढ़िया लगा है नहीं। आराम से फिरने, आराम से दिगने दिगने जाने हैं तुमने। मतलब कुछ जाने सो पाली को सब्जी जाने सो डुंगा अचार जाने सो पालक का सब्जी लो है पालक का जम्मा मजाक सुननी सो जी श्री मजाक सो ये पारा नहीं लेगा खै गन से यन्ने सो चलो निकलते स्मार्ट और मोटा हो रहा है यार। मैं तो अभी तेरा डीपी वाला ही निकल सोच रहा हूँ। डीपी में तो बहुत पतला दिखा रहा है अपने आपको। क्यों दिखा रहा था? डीपी में तो पतला ही दिख रहा है। खाना खाना स्टार्ट। कल बहुत थकाई लगी थी और मुझे वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। डे वाला एक छोटा सा गांव है यहाँ पे फार्मिंग की जाती है। कल यार मज़ा आ गया, पहली बार हाईवे में सफ़र किया और अच्छा लगा सफ़र करके। पहले तो अंदर बहुत डर लग रहा था कि हाईवे में चला पाऊंगा नहीं पाऊंगा, पर चला लिया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। अब बहुत सिंपल है चलाना, अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा नहीं लग रहा? अच्छा यहाँ बगल में ही ट्रेन की आवाज़ आ रही है। अच्छा यहाँ रेलवे क्रॉसिंग भी है। मैं आज से यहाँ 10 साल पहले यहाँ आया था। काफ़ी बदल गया है, रास्ते काफ़ी चेंज हो गए हैं और यहाँ काफ़ी रोड बन गए हैं, रोड चौड़ी चौड़ी हो गई है। ये है ट्रैक्टर और ये है मेरी पुष्पा। सुबह सुबह चिड़िया चहकने की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है, लगता सारी चिड़िया इधर ही है। ये जो पीछे दिखाई दे रहा है यूकेलिप्टस का जंगल, ये वन विभाग का है। पूरा का पूरा जंगल यूकेलिप्टस का है यहाँ पे। और हाँ यहाँ जंगली सुअर भी आते हैं। डे वाला देहरादून से पहले ही पड़ जाता है। ये सारे के सारे गन्ने हैं और ये गन्ना यहाँ पे पका नहीं है, पर रास्ते में जब आते वक्त ट्रैक्टरों में गन्ना भर भर के आ रहा था बहुत। ये है मेरा छोटा भांजा रोशन और बहुत शांत है। ये है किचन। अरे किसान ऐसे ही अच्छा लगता है, नहाया धोया हुआ थोड़ी अच्छा लगता है किसान। क्यों किसान का बेटा तो ऐसे ही तो होता है। एक बार चौधरी वाला बना वो पगड़ी पहनते ये भैंसों को चारा होगा ना। ये भैंस कहाँ का सुने गए? भैंस तो उधर है, ये तो मुर्गों का है। अच्छा ये मुर्गा फार्म है। मुर्गा फार्म तुम्हारा पानी ऑटोमेटिक आया है। पानी अपने अभी पियो उतने पियो उतने पानी आएगा। ये पानी पीते रहेंगे आते रहेगा अपने। यहाँ पे डिब्बे रखते हैं। मुर्गा कब आएगा? मुर्गा आने रहा कुछ दिन। तुझे तुझे वाह यार, यहाँ बड़ा प्यारा लग रहा है लाइट के साथ। अभी तो पिछाना पड़ेगा इसमें डेकोरेशन में, बुखार जलाने के लिए, गर्म करने के लिए मुर्गों को। तो पिछली बार कौन सा ये गर्म करता है? हाँ इसमें बुखारी में लकड़ी का बुरदा डलता है। अच्छा तो ये तब ये पूरा कम ये गर्म रहता है पूरा? हाँ गर्म रहता है। छोटा यहाँ वो लगाएंगे हम, तिरपाल लगाएंगे। अभी तिरपाल लगाएंगे आगे चलता रहेगा, बच्चा खिसकता रहेगा। अच्छा 5,000 बच्चों का फार्म है। हर बार करना पड़ता है, धोना पड़ता है।
मेहनत है बहुत, नहीं मेहनत तो है, पैसा भी ठीक ठाक है, पैसे भी तो 35 में 3 लाख 4 लाख अंदर है। अच्छा तो फायदा तो है ना, मंडी के ऊपर है सारा खेल, मंडी चढ़ जाए। अच्छा मंडी के ऊपर है, मंडी चढ़ जाए पैसे ही पैसा है। यहाँ का मंडी का है, मंडी पर दिल्ली से होता है, पूरा हिंदुस्तान का मंडी एक होता है जो दिल्ली खुलता है, हर दिन 11 बजे खुलता है हर दिन। हाँ ये नीचे करना पड़ता है ना बच्चों को नीचे, अभी तो हमने ऊपर कर रखा है, ये मुर्गे यहाँ तक की बांधे, ये यहाँ तक पहले छोटे बच्चे में यहाँ से करेंगे, ये तो छोटा यहाँ से करेंगे, तो उसके बाद जितने बड़े होते रहेंगे ऊपर करते रहेंगे, वो ऊपर करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे बस। इसका नाम क्या है डॉग का? किसका? इसका, इसका नाम ओगी है। ओगी है? ओगी है, ओगी है। केंद्र में मोदी है, यूपी में योगी है, हमारे घर में, हमारे घर में ओगी है। तीनों का शादी नहीं हो रखा उसके अंदर डाल के जलाते हैं, चारा तो अभी आएगा जब मुर्गी आएंगे सब साथ ही लाएंगे हम। ओए ओगी जरा क्या है मम्मी का नाम? चलो आपको याद तो रहा है यार, और ये मेरी बड़ी मम्मी पन्ना देवी, पन्ना देवी। थोड़ा चेहरा तो देखो सुंदर सा, सुंदर रोटी खा रही हूँ, घोगा रोटी। अब हम करते हैं नाश्ता, मक्के की रोटी है, घोगा रोटी मक्का, मक्के की रोटी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, धुआं इसके ऊपर से जाता है, रोटी खा रहा है वो। और ओगी डुगी, डुगी नहीं ओगी, ओगी है। अच्छा डॉगी को डुगी कर रही है, ये लो यार ओगी। डोगी डोगा डोगा कौन सी पड़ती है? बूटी पियोगे यार? बूटी हाँ पियो ना छास, ये हमारे छोटे दादा सुरेंद्र सिंह पारो, कहाँ चले पारो। ये है भैंस, क्या नाम रखा इसका? गाय है, अब देखिएगा। ये है बछड़ा, वो उसके पापा है, उधर वाला बड़ा बेटा है शायद। और क्यों हैरान हो रहा है देख के? ये पानी इसी में पीता है? ये इतना सुस्त क्यों हो गया है? बुढ़िया हो गई। अच्छा बुढ़िया हो गई है, बुढ़िया हो गई है। तो अंदर वाली क्या है, सबसे अंदर वाली जो वहाँ पे है? वो भैंस है, भैंस की बच्ची है, कटरी है, कटरी छोटी और कटरी है एक और। तो ऐसे बनाते हैं चारा यहाँ पे मशीन से काट के। ये है भूसा चारा, अब हम निकले देहरादून की तरफ। ओके चलो।